हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, डिस्काउंट का टॉपिक चल रहा है और बच्चों इससे पहले आपने पार्ट 6 पढ़ा था और आज हम पार्ट 7 को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम समझेंगे क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेच देता है, तो उसका असल लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए सीपी यानी क्रिया मूल्य, एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो देखिए एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है। तो देखिए किसी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी 100 मान के चलेंगे। तो देखिए और 20% की छूट पर खरीदता है, तो देखिए 20% की छूट पर, तो देखिए 100 मान के चलेंगे हम मूल्य अपने आप में, और देखिए 100 का 20% निकालेंगे तो देखिए 20 हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 20 तो 20 निकल गया, और 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80। तो देखिए सीपी हमारा कितना आया, 80। 20% का डिस्काउंट दे दिया। और देखिए आगे क्वेश्चन में, तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेच देता है। तो देखिए अंकित मूल्य हमारा देखिए 100 है, 100 मान के चलेंगे, देखिए 100 होता है अपने आप में, और 30% अधिक पर देखिए अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेच देता है, यानी बेचना विक्रय मूल्य। तो देखिए कितना हो जाएगा, 100 का 30% 30, और 100 और 30 130, 130। तो उसका असल लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 80 में खरीद कर कोई वस्तु 130 में बेच दी गई, 80 में खरीद कर कोई वस्तु 130 में बेच दी गई, तो देखिए कितने का डिफरेंस आया। तो देखिए 50 का, तो देखिए 50 बटे सीपी। देखिए लाभ हानि किस पर निकालते हैं, सीपी पर यानी क्रिय मूल्य पर। तो देखिए 80 और 100 से मल्टीप्लाई, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 × 2 = 8 और 4 × 100 25 बार, 25 × 5 = 125 बटे 2, और 2 से देखिए 12.5% 62%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार 30% छूट पर एक वस्तु खरीदता है तथा अंकित मूल्य से 12% ज्यादा पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सीपी यानी क्रिय मूल्य, एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। और देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 30% छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो देखिए 30% छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो देखिए किसी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100 होता है, यानी 100% होता है, तो देखिए 100 का 30% निकाल लेंगे तो 30 आएगा, और 100 में से 30 देखिए डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 70। तो सीपी यानी क्रिया मूल्य हमारा
70। और देखिए आगे क्वेश्चन में, तथा अंकित मूल्य से 12% ज्यादा प्रवेश देता है। तो देखिए अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 100 और 12% ज्यादा प्रवेश देता है। तो देखिए 100 का 12% 12 हो जाएगा और 100 और 12 112 है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए देखिए 70 में कोई वस्तु खरीदकर 112 रुपए में बेच दी, तो देखिए कितने का डिफरेंस आया, तो देखिए 42 का, तो देखिए 42 का डिफरेंस आया, 42/, देखिए सीपी आ जाएगा 70 और 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, 7 6 42 और 6 2 60, तो 60% ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, 60%। तो नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार 25% छूट देता है एवं 30% लाभ कमाता है, यदि वह 90 रुपये लाभ कमाता है तो छूट की मात्रा ज्ञात करें। देखिए डिस्काउंट 25% और देखिए प्रॉफिट 30%, और देखिए प्रॉफिट कितना 90 रुपये का कमाता है, तो डिस्काउंट की मात्रा यानी छूट की मात्रा ज्ञात करना चाहता है। देखिए डिस्काउंट, तो देखिए सीपी एमपी एसपी, तो देखिए सीपी क्रय मूल्य, एमपी अंकित मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य है। तो देखिए 25% का डिस्काउंट, देखिए 25 की फ्रैक्शन, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। देखिए 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, देखिए 4 हमारा एमआरपी हो जाएगा और 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो देखिए कितने में वस्तु बेची होगी, देखिए 4 और 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 3, 3 में बेची होगी, सेल की होगी वस्तु। और देखिए 30% का प्रॉफिट कमा रहा, देखिए तो 30/100, 10 से 10 कैंसिल, 3/10 और देखिए प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्लस का निशान, 10 और 3 13/10, तो देखिए सीपी हमारा 10 हो गया और 13 हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो देखिए अब हम इन्हें बराबर कर लेंगे, तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें जो बराबर हो जाए विक्रय मूल्य, तो देखिए यहां 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहां 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए 13 3 39 और 13 चौका 52, और देखिए अब यहां कर लीजिए मल्टीप्लाई, 13 3 39 और 10 3 30, तो देखिए सीपी कितना हो गया 30, एमपी यानी मार्केट प्राइस 52 और एसपी 39। तो देखिए आगे क्वेश्चन में, तो छूट की मात्रा ज्ञात करें। देखिए तो देखिए 30 में कोई खरीद कर वस्तु
39 रुपए में बेच दी गई। तो देखिए कितने का डिफरेंस आया, 9 का, 9 का डिफरेंस आया। देखिए और देखिए यहां पैसों में देखिए कितना लाभ कमा रहा है, 90 रुपए का। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें जो 90 हो जाए, तो देखिए 10 से, 9 धाए 90। तो देखिए इनमें कितने का डिफरेंस है, देखिए अंकित मूल्य हमारा 52 यानी 52 और एसपी 39। तो देखिए 13 का, तो देखिए यहां भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 13 × 2 = 130। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। तो छूट की मात्रा क्या है, 130 रुपए, 130। और इनमें छूट की मात्रा देखिए डिफरेंस आया 13 का, तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी पतलून तथा कमीज का अंकित मूल्य 1:2 में हो तथा पतलून को 40% छूट पर तथा पतलून एवं कमीज को कुल 30% छूट पर बेचा जाता है, तो कमीज पर छूट कितने प्रतिशत है। देखिए पैंट, शर्ट, पैंट प्लस शर्ट। तो देखिए 1:2 में हो, तो देखिए हम 1 की वैल्यू 100 मान के चलेंगे, हमें आसान हो जाएगा क्वेश्चन करने में। तो देखिए 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे और 2 जीरो इधर, और देखिए पैंट और प्लस शर्ट का देखिए कितना हो जाएगा, 300 जुड़ जाएंगे। और देखिए क्वेश्चन में बोला है पतलून को 40% छूट पर, तो देखिए पैंट यानी पतलून 40% छूट पर। तो देखिए 100 का 40% 40 आएगा, तो देखिए 40। तथा पतलून एवं कमीज को कुल 30% छूट पर बेच देता है, देखिए 30% छूट पर। तो देखिए शर्ट का छूट कितने प्रतिशत है ये पूछा है, 30% छूट पर बेचा था। तो देखिए 300 का 30% निकाल लेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 दिया 90। तो देखिए पेंट का 40 और पेंट और कमीज का यानी शर्ट का 90, तो देखिए शर्ट का कितना बचा, देखिए 50 बचेगा, जबी तो देखिए जबी तो 90 हो जाएगा, 50 40 90। तो देखिए 50/200 यानी शर्ट का, और 100 से मल्टीप्लाई, देखिए 50 × 200 और 4 से 100 25 बार यानी 25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, तो कमीज पर छूट कितने प्रतिशत है, 25%। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, ओके।